और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि रामपुर और रानी के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। समेश गांव का भयानक दृश्य जब हमने देखा तो दुख की सीमा न रही। बिंदल ने कहा कि रामपुर क्षेत्र के गानवी पहुंचने पर पाया कि मध्यरात्रि में बड़े बड़े पेड़ों के साथ हजारों टन मलबा खानवी खड्ड में आ चुका है, गानवी खड्ड में आ चुका है और 6 पक्के मकान जो बहुत सुंदर बने हुए थे वो पूरी तरह से मलबे में बह गए और उनका नामो निशान नहीं बचा। बहुत ही दुखदायी घटना है। रात के पहर में सडनली और बादल फटते हैं, चाहे वो बागी पुल का स्थान है, चाहे वो केदस का स्थान है, समेज है, जहाँ पर भी ये त्रासदी हुई है बहुत भयानक। और हम यहाँ बागी पुल पर खड़े हैं तो ये सारे प्रभावित परिवार हैं। परिवार के सदस्य कुछ चले गए। अब यहाँ पर जिस तरह से हजारों टन मलबा, बड़े बड़े पेड़ और पानी का एकदम सैलाब यहाँ पर आया, तो जहाँ हम खड़े हैं इस समय ये जो दलदल हमको दिख रही है, यहाँ पर कई कई मंजिला मकान थे जो क्षणों के अंदर बह गए। 7 व्यक्ति इसी स्थान से और लापता है, जिनमें से एक ही शरीर मिला है। ऐसी बहुत ही दुखदायी घटना। और लगभग 12-13 मकान पूरी तरह जमीन दोज हो गए और लगभग 9-10 मकान पार्टली यहाँ पर टूटे हैं, ख़त्म हुए हैं। ऐसा ही समेज के अंदर लगभग 26 मकान बहे हैं और 36 लोग वहाँ लापता हैं।